मॉल रोड पे अभी चल रहे हैं, होटल जा रहे हैं अभी, तो पास में होटल है अभी, अभी फिर सोच रहा हूँ। ये देखो गाइज मोस्ट फेमस नैनी लेक, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। मॉर्निंग का समय है, क्या है। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। प्लीज करो, अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन नैनीताल। आप देख रहे हो पीछे, ये नैनी लेक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, और ये पहाड़ों के बीच बहुत ही प्यारा सा है। अभी होटल से जस्ट निकला हूँ, मॉर्निंग के समय हो रही है, 8 बज रहे हैं अराउंड, और बहुत प्यारा ही धूप निकली, मैं सन पर देख रही हूँ, मेरे फेस पे आ रही है, बहुत ही प्यारा। मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ अभी, ये नए शाम मेरे पास ही होटल के जस्ट पास ही नैनी लेक है, देखो, और मैं भी जस्ट बैक कैमरा करता हूँ, व्यू दिखाता हूँ। ये देखो मेरा रूम है, मस्त रूम, बहुत सही है, ऑनलाइन थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पड़ गई इसकी मुझे। रूम काफ़ी सही है, तो सबसे मस्त लगेगी। छोटी सी एक मिनी फ्रिज भी दी हुई है, इसमें खोल के देखो, छोटू सा खाली है पर फ्रिज देख के होटल में काफ़ी सही लगा। और ये मैं जस्ट अभी रूम से थोड़ी बाहर निकल रहा हूँ, देख सकते हो, ये फर्स्ट फ्लोर की रूम है, वजह से अभी हमने एक स्कूटी किया है रेंट पे, 500 पर डे पे स्कूटी की रेंट है आज। देखते हैं अगर कल का होगा तो फिर कल का भी कर लेंगे, फिर आज कहीं चलते हैं स्कूटी रेंट पे। होटल के पास ही मिल गया मुझे, हम हो चुके हैं रेडी, तैयार हो गए, फ्रेश हो गए। अभी हमारा यहाँ पे पास में नैना देवी टेम्पल है, सबसे पहले वहाँ जाएंगे, फिर हिमालय व्यू पॉइंट। सबसे पहले तो मैंने जो स्कूटी लिया उससे पहले फिर जाए तो तेल भरवा लेंगे स्कूटी में, उसके बाद टेम्पल होते हुए फिर हिमालय व्यू पॉइंट पर जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या है नहीं है। फिलहाल तो बहुत काफ़ी फ्रेश लग रहा है और काफ़ी खिली हुई धूप भी है, अच्छी खासी धूप है, अच्छी लग रही है। अब ये भी है नैनी देवी टेम्पल, बहुत प्यारा सा दिख रहा। मैं नैनी टेम्पल के अंदर हूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है नैनी टेम्पल, और उसके साथ अटैच आप देखो ये क्या खूबसूरत नैनी लेक देख रहे हो। और ये देखो भाई, देखो बस खूबसूरत सी वो दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी ये टेंपल। और यहाँ पे भी जस्ट ये नैनी टेंपल के बाहर से है, काफी कुछ खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ, कुछ स्टॉल हैं कपड़े वगैरह की, हमारी पार्किंग थी यहाँ पे, एक ग्राउंड है यहाँ पे, अभी यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर ग्राउंड आपको दिख रहा हो तो ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये ग्राउंड है यहाँ पे। और ये धूप जो निकलती है ना बहुत ही खूबसूरत लगती है, यहाँ पे ग्राउंड है और हमारा, मैंने इधर ही जस्ट अपनी स्कूटी को पार्किंग किया है। टेम्पल से बाहर आप पॉइंट हिल व्यू, ये हमारा स्कूटी है व्यू करके। अभी कहाँ चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं सन ऑफ व्यू पॉइंट, वहाँ चलते हैं, ठीक है। हेलो, मैं एक
ऊपर चल नहीं रहा हूँ फिलहाल, अभी 3 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूँ, एक रास्ते पे रुका अभी, और यहाँ से कुछ दुकानें लगी है माल्टे वगैरह की कुछ यहाँ पे, और यहाँ से आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी दिख रहा हो, यहाँ से काफ़ी व्यू आया, थोड़ी सी जगह है रेस्ट की, और यहाँ की भी व्यू बहुत ही प्यारी है। चलो गाइज, मैंने यहाँ से अब थोड़ा ऊपर है 1 किलोमीटर के नज़दीक से, और चलते हैं अब ऊपर की ओर थोड़ी सी हिमालय पॉइंट की ओर। दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देख लो बस, जो अभी चोटी दिख रही है कि नहीं दिख रही, यहाँ पर नहीं दिख रही है चोटी, काफ़ी प्यारा सा है हिमालयन व्यू पॉइंट, देख रहे हो, ये है iPhone 13 जो मेरी आँख देख पा रही है और मेरी कैमरा भी कैप्चर कर पा रही है। पहाड़ों में मैगी अलग कॉम्बिनेशन, जितने भी रील्स देखे हमने, काफ़ी प्यारी सी व्यू है, और देखो यहाँ पर टेलीस्कोप वगैरह भी है, 100 रुपये पर पर्सन ले रहे हो, और ग्रुप में हो तो आ सकते हो, बहुत ही प्यारा सा व्यू है, टेलीस्कोप वगैरह लगे हुए यहाँ पे। सो फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं सनो व्यू पॉइंट, काफ़ी सही है, इसके ऊपर जाएंगे फिर देखते हैं। इसके ऊपर एक छत है, इस पे गाइस सभी लोग आते हैं, और यहाँ से भाई सेम हिमालय चोटी के लिए, अब देखो इसको ट्रेवलिंग के बाद फिर से कुछ खाने का मन अविनाश जी का, और चिमचिमाया धूप, चलो खाओ अविनाश। सनो व्यू के पास में ही एडवेंचरस पार्क करके सनो व्यू पॉइंट के पास में ही, काफी सही दिख रहा है, काफ़ी सही है, भीड़ भाड़ देख अंदर है, काफ़ी सही जगह इधर दिख रही है यहाँ पे। भीड़ है शायद, यहाँ रोप वे या हैंगिंग या अलग अलग देखो एडवेंचरस एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, इसके लिए शायद लाइन लगी हुई है सारे को, काफ़ी सही दिख रहा है। एक छोटी सी मार्केट है, ये देखो रोप वो चलती है, मैंने आपको इस एरिया को दिखा दिया पूरा, एक सनो व्यू पॉइंट कवर कर दिया शायद मैंने इसमें, अब और भी कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा आपको। काफ़ी सही है, शायद वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, धूप की किरणें ना अलग ही सुकून देती है। उतार चढ़ाव की रास्ते हैं हिमालय पे, और हमारा जो स्कूटी है कोई हिमालयन बाइक से कम नहीं है, तो काफ़ी सही स्कूटी है, करते हैं। गाइस ये है नाइट व्यू ऑफ
मॉल रोड अपना नैनीताल, जहाँ साइड दुकानें हैं, लोग वॉक पे हैं और सब ये मॉल रोड। काफ़ी प्यारा और वॉकिंग होती है यहाँ की।